फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गल्फ कंट्री में फंसे हुए लोगों के लिए है, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि आने वाले समय में गल्फ कंट्री से भारत में आने वाली फ्लाइटों की क्या स्टेटस है और कितनी फ्लाइटें इस समय चल रही है, और इसके अलावा एयर बबल्स को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। हम आपको गल्फ के लगभग सभी देशों के बारे में बताने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। और वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं सऊदी के बारे में। सऊदी के लिए नई फ्लाइटों की लिस्ट यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से जारी की गई है। ये सभी की सभी फ्लाइटें, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, भारत के अलग अलग शहरों के लिए आने वाली है। यहाँ पर दमाम, जेदा और रियाद से भारत आने वाली फ्लाइटों की लिस्ट आपको दिख रही होगी। आप इनकी बुकिंग जाकर एयर इंडिया के ऑफिस से करा सकते हैं। ये अभी कुछ ही फ्लाइटों की लिस्ट आई है, आने वाले समय में और भी अधिक फ्लाइटों की लिस्ट आनी बाकी है, क्योंकि इस समय सऊदी में बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और उनके लिए यहाँ पर इतनी फ्लाइटें काफ़ी नहीं होंगी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार एयर बबल्स को भी शुरू करने को लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसमें इतनी ही जानकारी सामने आ पाई है जो हमने आपको अभी बताई है। इसके अलावा अगली जानकारी लेते हैं यूएई से। यूएई में इस समय जो लोग भी हैं उनके लिए इस समय फ्लाइटों को लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया और इसके अलावा इंडिगो जैसी एयरलाइंस कंपनियाँ यूएई के लिए अपनी फ्लाइटों को शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर नई नई फ्लाइटों को भी ऐड किया जा रहा है। बीते कल भी यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट आया था, जिसमें ये बता रहे हैं कि उनके पास अभी भी बुकिंग चालू है और आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भारत से भी यूएई जाना चाहते हैं, वे अभी भी यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। उसके लिए उनको आईसी अप्रूवल और कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी रहेगा, और इसके अलावा उनको आईसी अप्रूवल मिल जाता है तो वह आसानी से यूएई में जा सकते हैं। अगली जानकारी लेते हैं यहाँ पर कुवैत के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक कुवैत को लेकर नई फ्लाइटों की कोई भी सूचना नहीं आ पाई है। जो लोग भी कुवैत में फंसे हुए हैं उनको अभी भी फ्लाइटों का इंतजार है कि वहाँ के लिए फ्लाइटें कब से शुरू होंगी। यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ये खबर आ रही थी कि कुवैत से एयर बबल्स को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक उस मामले में कोई भी सूचना नहीं आई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में एयर बबल्स को लेकर कुवैत से भी जरूरी सूचना आ सकती है। इन सब के अलावा यदि कतर, ओमान और बाकी अन्य देशों की बात करें तो वहाँ से रेगुलर बेसिस पर वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें आ रही हैं। आप एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा कर रखें और उनसे रेगुलर अपडेट लेते रहें, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से ही अभी भी फ्लाइटों को जारी किया जा रहा है और एम्बेसी की तरफ से ही सूचना भी आ रही है नई नई फ्लाइटों को लेकर। यहाँ पर हमें यदि कुछ और जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।